मेरा क्या फ्यूचर है क्रिकेट में? देखिए, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट नजर आ रहा है मुझे, लेकिन क्रिकेट में नहीं है? सबसे पहले विकेट आपने किसकी ली थी? देखिए, वो जिम्बाब्वे का प्लेयर था, टेस्ट मैच था, मैं टेस्ट अभी हुआ था मेरा पहले, तो जिम्बाब्वे का प्लेयर था प्रिंस, उसको मैंने आउट किया था सबसे पहले। लेकिन उस जिम्बाब्वे के मैच में आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी तो बनाया था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से मैं सेकंड बेस्ट डेब्यू है, 8 विकेटें ली थी पहले ही टेस्ट मैच में। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। कौन सा ऐसा बैट्समैन है दैट यू थिंक इट्स ही इज द बेस्ट, कि जिसको बॉल कराते हुए आप दो तीन दफ़ा सोचते हैं कि इसको कहाँ बॉल फेंकनी है? देखिए, मैं वैसे तो खेला हूँ, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भी खेला हूँ, विराट कोहली के खिलाफ भी खेला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा क्रिकेट जो है संगाकारा के खिलाफ खेला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे मुश्किल बैट्समैन वही लगा, क्योंकि उसको जिस जगह पे भी बॉल करता था वहाँ से ही वो कोई ना कोई शॉट बना लेता है जो आम बैट्समैन नहीं बनाते। अरे, आप इतने अरसे के बाद कहाँ चले गए थे आप? अरे जनाब, मैं कहीं नहीं गया था, मैं आपके लिए शेर बना रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि आपकी शान में जब तक मैं 10-12 शेर ना रात को लिख लूं, मुझे चैन नहीं आता। अच्छा, यानी आप हम पे शायरी करते हो? अरे, आप तो महबूबा हैं हमारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने ये इज्जत बख्शी। मैंने तो आपको महबूबा कहा तो आपको भी शर्म नहीं आई? आपको तो आनी चाहिए। क्या शेर हो गया आप पर? क्या हो गया? नाई देखा कैंची देखी चंपी देखी, नाई देखा कैंची देखी चंपी देखी, अंदर आया सोटी वाली पंपी देखी। ये क्या शेर हुआ? बस हो गया। पंपी कह रहे हैं आप जॉगर को? अरे, आप जॉगर नहीं है, आप जॉगर का तस्मा है। माफ कीजिएगा, आइए तशरीफ लाइए, हमारे आज कुछ मेहमान भी आए हुए हैं। अरे बहू रानी। बबली, मैंने समझाया है कि ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? जी हाँ। ये बहू रानी आपका बेटा है? अजी, बहू रानी नहीं है, ये बबली है। बबली, मेरा भतीजा। बबली, योर बबली, आम बबल गम। आप प्लीज बैठिए। अरे देखो कैसे कैसे मेहमान आए हैं, जब आदमी आए। अस्सलाम वालेकुम। जाओ, ये सामान अंदर ले जाओ। मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा खाना खा के आता हूँ, उसके बाद ना आपके साथ फिर क्रिकेट। बिल्कुल जी, पक्की बात है। अच्छा, वो चांद मियां से कहना कि मेहमानों के लिए कुछ लाएं। ओके, हाकिम शाह साहब भी आ गए। ओके, बच्ची के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? बबली, अंकल बबली। बबली, तशरीफ रखिए। और सुनाइए। बाय बाय। अजी, इनको तो आप जानते होंगे। क्यों नहीं जानते इनको, कौन नहीं जानता? ये हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं, और ये हमारे दोस्त हैं हाकिम साहब, बड़े पुराने दोस्त हैं, सदियों पुराने हैं। कायम अली शाह साहब से भी पुराने हैं। अजी, कायम अली शाह साहब से 200 साल छोटे हैं। अरे भाई, वो तो सांस ले रहे हैं, यही एक मौजज़ा है। अरे क्या बात, क्या कह रहे, इस जहां और उस जहां में एक सांस का है फासला, आता रहा तो ये जहां, जाता रहा तो वो जहां। ये पुराने अर्जी नवीस हैं, अब चूंकि लोग खतवत तो लिखवाते नहीं, तो खुद ही अपने तौर पे कुछ लिख के ले आते हैं। आज मैंने ख्याली खत लिखा है। अच्छा, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वैसे तो आपको देख के ही हो जाते हैं। हाँ, एक गेंद का खत बल्ले के नाम। अरे वाह, गेंद का खत बल्ले के नाम। हाय, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम बल्ले मियां। वालेकुम अस्सलाम। आप बल्ला नहीं हैं, आप विकटों के ऊपर वाली विल्स हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बल्ले मियां, क्या हाल है? अरे कभी तो मेहनत कर लिया करो, मैं गेंद हमेशा अपने मुल्क की उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ, मुखालिफ टीम को छक्के नहीं मारने देता, बल्कि उनके छक्के उड़ा देता हूँ, और तुम बेवफा मेरी सारी मेहनत को जाया कर देते हो। देखो बाकी मुल्कों के बल्ले कितनी वफा करते हैं, और एक तुम हो, तुम्हारे साथ मसला क्या हुआ बताओ तो? बड़े बड़े मैदानों में तुमने हमेशा छोटा छोटा काम किया। मुझे पता है तुम एक चिड़िया की वजह से सही हाथों में नहीं जा रहे हो। जिस दिन तुम सही हाथों में चले गए तो शारजा में जैसे आखिरी बाल पे छक्का मारा गया था, तुम भी ऐसे ही करोगे। देखो इस मायूस
मायूसी के माहौल में अगर मैं और तुम एक हो जाएं तो मुल्क के आवाम को सुख का सांस लेने का मौका मिल जाए। अरे वाह, हाय, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम जो हम हो जाते। अरे वाह, क्या खूबसूरत बात है। शमसी साहब, आपने क्या महसूस किया कि पुराने लोग जब सामने आ जाते हैं तो खुशी से दिल जरा खिलखिला जाता है? दुरुस्त है, पुराने दोस्त मिल जाएं तो। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो आजकल जो है वो आप टेलीविजन के लिए भी काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं शो कर रहा हूँ टेलीविजन पे, माशाल्लाह, एज एन एंकर पर्सन। तो साथ लिखता भी हूँ, साथ। आप तो शायरी भी करते हैं? जी बिल्कुल। आज हमारे नौजवान बच्चे आए हैं, बड़े प्यारे, ये हमें बड़े अजीज हैं, तो कोई ऐसी पोइट्री सुनाइए जिससे ज़रा दिल लगी सी हो जाए। मैं एक जिंदगी पे एक शेर सुनाता हूँ, आपकी, आप सबकी नज़र करता हूँ। जी हाँ। कि मोहब्बत रोशनी है, रोशनी तकसीम करते हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत बात कही। मोहब्बत रोशनी है, रोशनी तकसीम करते हैं, जमाने भर में आओ जिंदगी तकसीम करते हैं। अरे वाह वाह वाह। आप समझते हैं कि आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जितने अरसे मैच खेले और कैप्टनशिप उनके पास रही, उन्होंने सही फैसले किए? देखिए, पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और शाहिद आफरीदी 20 साल उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को दिए हैं अभी तक, और मैं समझता हूँ कि बड़े वेल डिज़र्विंग थे, कप्तानी उनको मिली। ये मेरे बच्चे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं आपको हमेशा गिफ्ट देती हूँ, आप कभी मुझे गिफ्ट नहीं देते, व्हाई इज इट लाइक दैट? अरे मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गिफ्ट दिए जाएं, और गिफ्ट जब एक दूसरे को देते हैं तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। Exactly. I've given you so many presents. तो how come आप मुझे वो मोहब्बत रिटर्न नहीं करते? मैं आज आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। Really? देखो कितना अहम आदमी आज हमारे घर आया। Hi. शीमा साहब और शमसी साहब बड़े अहम लोग हैं इस मुल्क के। Very nice to meet you. Very nice to meet you. First, I'm going to take selfies. हाँ, sure. सेल्फी के बगैर भी जिंदगी क्या है? बिल्कुल जी। Sorry. अब तो सेल्फी ही आपकी जिंदगी है। मेरी एक कोशिश होती है कि मैच से पहले मैं अपनी वालदा से ज़रूर बात करूं, उनसे दुआ लेके जाऊं, और फिर ये है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी वालदा ने मेरे लिए दुआ की है, तो इंशाल्लाह मैं अच्छा ही करूँगा। That's nice. इतनी अच्छी बात की है।